मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार सेक्स रोग समूह तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। श्रीदेवी के निधन के बारे में काफी सारी चर्चा है, जहां वहां हो रही। पिछले शनिवार को मतलब 24 फरवरी 2018 को उनका निधन हुआ दुबई स्थित एक होटल में। और उसके बाद में काफी सारी रूमर्स फैली। मुझे ऐसे साइकियाट्रिस्ट लोगों ने पूछा तो क्या कारण हो सकता है, स्ट्रेस के बारे में है, मतलब स्ट्रेस से ऐसा निधन हो सकता है क्या, स्ट्रेस से हार्ट अटैक आ सकता है क्या। एक्चुअली ऐसा कहा जाता है कि दुबई में श्रीदेवी और बोनी कपूर और उनकी फैमिली कोई शादी में वहां गए थे। वो शादी करके श्रीदेवी वहां दुबई स्थित होटल में वहां रुकी हुई थी। बोनी कपूर भारत देश में वापस आए थे और शनिवार को मतलब 24 फरवरी को बोनी कपूर शाम को वो होटल में चले गए और उनको रात को एक शादी में जाना था। 24 फरवरी को एक शादी में उनको दोनों को जाना था। बोनी कपूर एक सरप्राइज गिफ्ट लेके वहां होटल में पहुंच गए थे। पहुंचने के बाद में उन्होंने श्रीदेवी को कहा कि आप तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ, हम शादी में जाएंगे। तो श्रीदेवी तैयार होने के लिए बाथरूम में गई। 15 मिनट तक वो बाथरूम में थी और जब अंदर से कुछ आवाज नहीं आ रही थी और क्या हुआ इससे, बोनी कपूर ने जब दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा नहीं खुल रहा था। उन्होंने कुछ भी कैसा भी करके दरवाजा खोला तो उनको मालूम पड़ा कि श्रीदेवी वहां बाथटब में बेहोश होकर पड़ी हुई है। उन्होंने तुरंत अपने दोस्त को बुलाया। ये करीब करीब अंदाज मतलब ऐसा कहा जाता है, अलग अलग उसके मतलब टाइमिंग दिया जाता है। कहीं उनका टाइमिंग दिया है 6 बजे का, किसने बोला है 8:30 का, किसने बोला है 9:30 का, मतलब वो तो अलग अलग टाइमिंग है कि ये घटना कब हुई, कितने बजे हुई। मतलब ऐसा कहा जाता है ज्यादातर लोगों का कि 9 बजे करीब करीब घटना हुई। वहां पुलिस को इन्फॉर्म किया, हॉस्पिटल लेके गए और वहां को दिल का दौरा पड़ने से, हार्ट अटैक आने से उनकी मौत हो गई ऐसा घोषित किया। बाद में पोस्टमार्टम भी हुआ, उसमें भी ऐसी कोई शक वाली बात नहीं निकली। मतलब इसमें ये तभी भी एक काफी सारा विवाद खड़ा हो गया कि भाई 54 साल की उम्र में कोई एक्ट्रेस का ध्यान होता है हार्ट अटैक से, तो ऐसा हुआ क्यों। आज हमें क्या है कि सभी लोग बहुत स्ट्रेस में है। एक्ट्रेस एक्ट्रेस तो क्या होता है कि काफी सारी दवाइयां खाते रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि श्रीदेवी की कम से कम 29 कॉस्मेटिक सर्जरीज हुई थी अच्छा दिखने के लिए, आकर्षक दिखने के लिए। तो उसके लिए फिर सर्जरीज भी करना, दवाई भी खाना और काफी सारा स्ट्रेस भी रहता है। मराठी में बोलते हैं कि जितना बड़ा व्याप उतना ताप, मतलब जितना ज्यादा आपका काम नाम है उतना ज्यादा दिमाग के ऊपर स्ट्रेस रहता है। तो वो है और उसकी वजह से काफी लोग दवाइयां खाते रहते हैं और वो दवाइयों से दिल के ऊपर असर होता है, उसका दिल का दौरा जल्दी पड़ जाता है। आज काफी सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस लोग दवाइयां खाते रहते हैं। स्पोर्ट्समैन है, कुछ लोग अच्छा दिखने के लिए दवाई खाते हैं, कुछ लोग एनर्जी के लिए दवाई खाते रहते हैं, कुछ लोग एक ऐसी दवाई थोड़ी सी खाते खाते उनको ऐसी आदत हो जाती है, मतलब कोई सर्जरी हो जाती है, कोई ऑपरेशन होता है, वहां डॉक्टर दवाई लिखते हैं नींद की वगैरह या दर्द कम होने की, और वो दवाई ऑपरेशन के कुछ महीनों बाद में भी दवाई चालू रहती है दर्द कम होने की, उनकी आदत लग जाती है, लत लग जाती है और उसका उल्टा असर दिल के ऊपर हो जाता है तो, और हार्ट अटैक आने का ज्यादा चांसेस रहते, ज्यादा मौका आ जाता है। तो श्रीदेवी के मृत्यु के बाद में काफी सारा मामला बाहर आया कि भाई ये जो दवाइयां है या ये जो आकर्षक दिखने का जो लोगों को एक मतलब ये ऐसा क्रेविंग है, हंगर है, भूख है कि इन्हें आकर्षक दिखना चाहिए, लोगों ने मुझे देखना चाहिए, इसके लिए कुछ भी करना और इसके ऊपर अपनी जल्दी मौत हो जाना ये बहुत ही मतलब खतरनाक साबित होता है। एक ही है कि इतनी आप दवाई से मतलब इतने दवाई से आप दूर रहेंगे उतना ही अच्छा है। एक्सरसाइज करना, मतलब रेगुलरली आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे, खाने पीने के ऊपर कंट्रोल, तो दिल का दौरा ऐसा आसानी से नहीं आता है। रेगुलर चेकअप भी आप करते हैं, ब्लड प्रेशर देखते हैं, रेगुलरली आप कार्डियोग्राम निकालते हैं तो मालूम पड़ता है कि आप कितने फिट हैं। तो श्रीदेवी के निधन के बाद में ये मतलब काफी बाहर आ गया कि भाई 54 साल की उम्र में बिना कुछ मतलब टेस्ट किए बिना वहां रह गए और वो मालूम ही नहीं पड़ा कि हार्ट टू उसका कितना असर हो चुका है। मेरी ऐसे सबसे रिक्वेस्ट है कि उम्र के 40 साल के बाद में रेगुलरली हर साल कम से कम एक बार कभी ब्लड का टेस्ट, हार्ट का टेस्ट, मतलब कार्डियोग्राम निकालना या जो भी टेस्ट करना है वो टेस्ट कर लेना बहुत ही जरूरी है ताकि एक अच्छी लाइफ हम जी सके और लंबी उम्र तक हम जी सकेंगे। ये वीडियो आपके संपर्क में आने सभी को शेयर करो ताकि लोग इसका मतलब यहाँ से नॉलेज लेके, मैं जो बात बताऊँ इससे मतलब नॉलेज लेके, जानकारी लेके अपना अपना खुद का चेकअप कर लेंगे और एक तंदुरुस्त लोग जीवन जिएंगे। आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर करो, आपके फेसबुक के
वॉल के ऊपर, ग्रुप के ऊपर शेयर करो। आपको अच्छा लगा तो जरूर ये सब्सक्राइब करो, मेरे बार बार वीडियो आते रहेंगे। आप सब्सक्राइब करो, हिंदी के ऊपर प्रेस करो, ताकि आपको मेरे वीडियोस बार बार आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।